एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आकांक्षा द एक्सप्लोरर। तो कैसे हो आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आगरा का जो लास्ट ट्रिप थी आफ्टर मथुरा वृंदावन, जब मैं आगरा पहुंची, तो आगरा पहुंचने से पहले जो मेरी तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा आगरा को एक्सप्लोर नहीं कर पाई और मेरी ट्रेन भी जो मिस हो गई। तो उसके बाद किसी तरह मैंने बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आगरा में जाकर ताजमहल को एक्सप्लोर किया, और जो पेठा की शॉप्स थी वो मैंने, एक ही शॉप है उसे मैंने एक्सप्लोर किया, ताकि अगर मैं आगरा जा रही हूँ तो ऑफकोर्स आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो वहाँ से सूट करके लाऊं। तो खैर, ये सब हुई ट्रिप की बात। तो अब आज मैं आप लोगों के साथ, जैसे कि आप थंबनेल में आप देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने मथुरा में, वृंदावन में या जो भी शॉपिंग की थी मथुरा में, कृष्ण नगरी में, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए इसके चलते हैं। पहले जो सामान है मैंने वहाँ से लिया, एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं याद है चीज़ों का, क्योंकि ये जो वीडियो है वो भी मैं एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते हो गया है वहाँ से मुझे आए हुए, उसके बाद मैं शूट कर रही हूँ तो मुझे इतना याद नहीं है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो सामान मैंने वहाँ से लिया है, तो सबसे पहले मैंने लिया है लड्डू गोपाल। ऑफकोर्स जब मैं मथुरा के लिए जा रही थी तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम लड्डू गोपाल लाना, क्योंकि वो चाहती थी कि जो हमारे घर में लड्डू गोपाल आए वो किसी तीर्थ स्थान से हो, किसी धर्म स्थल से है। तो अब इन्हीं की नगरी में गए थे और मैं इन्हें वहाँ से ना लेके आऊँ, तो मैं, आप देख सकते हैं, मैं ये लड्डू गोपाल लाई हूँ। जो मैंने कई जगह देखे, इनमें आपको दो तरह की क्वालिटी मिलेगी, एक आपको मिलेगी पॉलिश वाले और ये एक मिलेंगी विदाउट पॉलिश वाले। तो आप विदाउट पॉलिश वाले लिए लीजिए, इससे क्या होगा, इसकी जो जो पॉलिशिंग है या जो इनको अगर आप, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग गंगा जल से इनका स्नान कराएंगे दूध दही से, तो जिसके बाद क्या होगा, इनकी जो पॉलिश वगैरह है वो ख़राब हो जाएगी, तो आपको बार बार पॉलिशिंग करानी पड़ेगी, इसलिए आप ये विदाउट पॉलिशिंग वाले लीजिए। और ये मैंने लिए हैं, मुझे मिल पड़, ये चार नंबर के हैं, दो नंबर से लेकर आई थिंक 32, 16, 64 नंबर और भी उससे बड़े नंबर तक थे, मतलब लोग लाखों रुपए तक के वहाँ पे लड्डू गोपाल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने ये लिए हैं और इनके लिए मैंने लिया, तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, मैंने लड्डू गोपाल और ये सिंहासन दोनों अलग अलग जगह से लिए। इसकी वजह से क्या था कि जो सिंहासन है वो छोटा पड़ गया, तो जिसमें लड्डू गोपाल नहीं आ पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमने ये लिए थे लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस। ये आपको तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, कहीं भी जाओगे, किसी भी वहाँ पे, किसी भी तीर्थ स्थल के बाहर आपको ये लड्डू गोपाल वगैरह और उनके कपड़े वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये सुंदर सा मुकुट, आप जैसे कि देख सकते हो, ये मुकुट मैंने लिया, तो ये 30-35 रुपए का था और 20-25 रुपए का आपको ये मुकुट भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत प्यारी सी ड्रेस है, जहाँ से मैंने लड्डू गोपाल लिए थे वहाँ से हमने ये ड्रेस भी ली है। ये बिहारी मंदिर, वहाँ से बाहर से हमने ये लिए थे, ये राधा कृष्ण की का फोटो फ्रेम लिया था, मम्मी ने कहा था कि उनको जोड़े में ही चाहिए, तो ये लाए थे। ये हमें पड़ी थी 35 रुपए की, इसका प्राइस मुझे याद है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने ये राधा कृष्ण जी की फोटो फ्रेम लिया, जो हमें 35 रुपीज का पड़ा। बाद बाकी बिहारी मंदिर से ही हमने ये की रिंग्स ली, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर कृष्ण जी की बहुत सारी की रिंग्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको ये, मैंने इसको पैकेट से बाहर निकाला है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ये कृष्ण जी की केयरिंग्स, तो आपको ये भी वहाँ पे 15-20 रुपए की मिल जाएंगी। ये तो मैंने 20 एक जगह से 20-20 रुपए की ली थी, एक दो लिए थे मैंने बलदाऊ मंदिर के पास से, जो 20 रुपीज की पड़ी थी, और बांके बिहारी मंदिर से मैंने ली, ये मुझे पड़ी थी 30 रुपीस की 2। उसके बाद राधा रानी मंदिर के पास से मैंने ये बैंगल्स ली थी, जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाली तो खैर जैसे हम लोग जो मम्मी के रेगुलर बैंगल्स होती हैं, ये कुछ उसी तरह से है, मल्टी कलर की है, आप हर साड़ी में चला सकते हो। ये जो थी, ये थी 10 रुपए की, ये मैं मेरी मम्मी के लिए ले आई हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ अपने लिए बैंगल्स ली, जैसे आप देख सकते हो, इसमें आपको राधा राधे राधे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये राधे राधे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा।
जो इसका प्राइस मुझे पड़ा था, ये पड़ा था, ये मुझे 80 रुपीज़ के 4 पड़े। और फिर वैसे 50 रुपीज़ बोल रहे थे, लेकिन आफ्टर बाद में उन्होंने इसका प्राइस जो है वो उन्होंने 40 रुपीज़ के 2 लगाए थे। तो मैं ये 4 लेकर आई हूँ। मुझे अच्छे लग रहे थे कड़े, ऐसे आपको वहाँ पे बहुत सारे कड़े मिल जाएंगे। साथ ही साथ जैसे अगर आप मोर पंख वाले अगर आप लेना चाहो तो वो भी आपको कड़े पड़ जाएंगे। और इनसे कुछ पतले थे, लाइक इतने अगर आप पतले लेना चाहो तो ऐसे भी आप मिल जाएंगे। और ये चौड़े वाले थे, ये भी मुझे वहाँ आप मिल रहे, तो मैंने ये चौड़े वाले लिए थे ताकि अगर आप 2 डाल लो तो आपके लिए इनफ। उसके बाद आपको वहाँ पे हर जगह माला वगैरह की बहुत सारी शॉप पड़ जाएंगी। बलदाऊ मंदिर के बाहर जो मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और तो बलदाऊ अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो आप बलदाऊ मार्केट के बाहर से शॉपिंग आप कर लेना। और फिर मैंने कुछ ये ऐसे ही माले वगैरह लिए जो आपको 20-25-30-10 रुपए के पड़ जाते, तो इस तरह के माले वगैरह भी आपको मिल जाएंगे जो आपको जनरली हर मंदिर वगैरह के बाहर मिल जाते, लेकिन इसकी क्वालिटी जो थी काफ़ी अच्छी थी, ठीक थे, मुझे ठीक लगे तो मैंने वहाँ से ले लिया। इसके अलावा मैंने यहाँ वहाँ से एक बलदाऊ मंदिर के बाहर से मैंने ये एक बॉक्स लिया था जिसका प्राइस मुझे लगभग 20-25 रुपए का पड़ा था। काफ़ी सारे ये बॉक्स आपको मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से था। वैसे किसी यूज़ का तो नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ओपन होने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे वहाँ पर इस तरह के आपको बहुत सारे बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो प्रसाद वगैरह था, प्रसाद वगैरह ज़्यादा लेके वहाँ पे रखने वाला नहीं है, अगर आप जाओ तो सिर्फ चढ़ाने भर का ही लो प्रसाद, बिकॉज जो खोए की मिठाई होती है वो ख़राब हो जाती है। मेरी मिठाई जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप उतना ही लिमिटेड प्रसाद लीजिए, जितना आप चढ़ा लो वहीं पर आप खाकर ख़त्म कर लो। आप ये अगर 4-5 दिन के लिए आप जा रहे हो तो आपकी मिठाई डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने इतनी शॉपिंग की थी मथुरा से। तो अगर आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई हो और आपको इसमें से कौन सा सामान है जो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आप मुझे फॉलो कर लेना फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में। आज के लिए राधे राधे, बाय बाय।